राधे राधे सभी को। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। आज का वीडियो मेरा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है। गुरु के बिना आपका जीवन शून्य है। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते। हम सभी के जीवन में गुरु का स्थान सबसे अहम माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बढ़कर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी नहीं पा सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीके से किया गया है। गुरु पूर्णिमा के में विशेष बात है। गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता के प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। गुरु के सम्मान में हर साल अषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और वे ही जीवन के ऊर्जामय बनाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करना असंभव है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष में यह भी माना जाता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था और कई पुराण, उप पुराण व महाभारत की रचना भी इसी दिन पूर्ण हुई थी। गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा की जाती है? गुरु पूर्णिमा पर गुरु व शिष्य की परंपरा के लिए विशेष होता है। गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को सही मार्ग पर ले जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। इसलिए गुरुओं के सम्मान में हर वर्ष यह पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करने की परंपरा है। शास्त्रों में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा प्राप्त है। ऐसे गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं की पूजा और उनका सम्मान करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दिया बचाए। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु पूर्णिमा में क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यता के अनुसार खासतौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु के आसन पर बैठना न केवल गुरु का अपमान माना जाता है, बल्कि भगवान का भी अपमान माना जाता है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा को अहम स्थान दिया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।